सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा फेवरेट चैनल TWL। और फाइनली मैं इस समय आपको दिख रही होगी लोकेशन डिफरेंट सी कहां पे हैं, तो मैं हूं इस समय मुंबई में। और ये वीडियो में आप देखोगे मुंबई की जो भी अच्छी प्लेसेस हैं उनको मैं दिखाऊंगा, कवर अप करूंगा एक वीडियो में, दो वीडियो में जितने भी बनेगी आप उसको इन्जॉय कर सकते हो। तो भाई साहब, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो करना क्या है आपको, करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और सबसे बड़ी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है इस वीडियो को, बिकॉज ऐसी कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। इस व्लॉग में हम देखेंगे मुंबई की कुछ अनकॉमन सी प्लेसेस। यूँ तो मुंबई हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल के मामले में जानी जाती है, आपको पता है इसके बारे में। तो मुंबई की जो इतनी भी फेमस प्लेसेस हैं, जिसमें कि गेटवे ऑफ इंडिया, ताज आता है, फिर आपका मरीन ड्राइव आता है, ये सब तो हम देखेंगे ही व्लॉग में। लेकिन फिलहाल मैं इस व्लॉग की सीरीज़ के स्टार्ट के पहले पार्ट में आपको वो प्लेसेस दिखाऊंगा मुंबई की जो कि अच्छी हैं, जिनको बहुत रेयर लोग कवर करते हैं। तो अगर आप मुंबई में हैं या मुंबई जाने का सोच रहे हैं तो इन प्लेसेस को डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स, सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। और व्लॉग अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना व्लॉग को, और शेयर ज़रूर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है इस व्लॉग को बनाने में। और लास्ट में अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो ये जो जगह है इसका नाम है नेहरू साइंस सेंटर, और अच्छी जगह है, हमने भी ढूंढ के निकाली है। तो चलो दिखाते हैं भाई क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। नेहरू साइंस सेंटर लार्जेस्ट साइंस सेंटर है पूरे भारत में, ये वर्ली मुंबई में लोकेटेड है, और इसका नाम जो है वो हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नाम पे पड़ा था। इस पार्क को 1979 में बनाया गया था और इसका इनॉग्रेशन पब्लिक के लिए खोला गया था राजीव गांधी के द्वारा 1985 में। ये जो नेहरू साइंस सेंटर है ये 8 एकड़ में बना हुआ है, जहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, जहाँ पे साइंस रिलेटेड आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साइंस सेंटर जो है वो डेली मॉर्निंग में 10 AM से लेके शाम को 6 बजे तक खुलता है, संडे और पब्लिक हॉलीडेज को छोड़ करके। तो हमारी दूसरी लोकेशन है जिसका नाम है तारापोवाला म्यूजियम एक्वेरियम, जिसे कहते हैं मुंबई का। तारापोवाला एक्वेरियम इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्वेरियम है और मुंबई की मेन अट्रैक्शन में काउंट किया जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मरीन और फ्रेश वाटर की फिशेस। ये एक्वेरियम मरीन ड्राइव के नियरेस्ट में लोकेटेड है और ये एक्वेरियम 1951 में बिल्ड होके रेडी हुआ था, और इसका रेनोवेशन करके इसको 3 मार्च 2015 को पब्लिकली ओपन किया गया था। इस एक्वेरियम में आपको 12 फीट लॉन्ग और 180 डिग्री का एक्रेलिक ग्लास टनल देखने को मिलेगा, जहां पे आपको बहुत सारे फिशेस देखने को मिलेगी। और अगर मैं इसकी थोड़ी डिटेल में जाऊं तो यहां पे आपको 2000 फिशेस देखने मिलेगी, जो कि 400 स्पेशीज की होंगी। तो काफ़ी सारी फिशेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और अगर बात करें इसकी टाइमिंग की, तो इसकी टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, और मंडे को ये एक्वेरियम बंद रहता है। और बात करें अगर हमारी, तो हमने ये व्लॉग शूट किया था कोरोना के टाइम पे, जिसकी वजह से इस एक्वेरियम को पब्लिक के लिए क्लोज करके रखा गया था, तो हम अंदर जा करके आपके लिए फुटेज नहीं ला पाए। इस व्लॉग में हमारी तीसरी प्लेस है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। यह संग्रहालय मुंबई के मेन म्यूजियम के मामले में काउंट किया जाता है, और इसका निर्माण जनवरी 10, 1922 में हुआ था अंग्रेजों के ज़माने में। ये म्यूजियम साउथ मुंबई में लोकेटेड है, गेटवे ऑफ इंडिया के नियर में। इस म्यूजियम का नाम चेंज करके 1998 में शिवाजी के नाम पे पड़ा, जिनको मराठा एम्प्रायर का
फाउंडर कहा जाता है। इस म्यूजियम में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे जो कि मुगल, मराठा और जैन से इंस्पायर्ड है। ये म्यूजियम भी कोरोना ड्यूरेशन के वजह से क्लोज था और यहाँ पर शूट भी अलाउड नहीं था, तो हम आपके लिए कुछ इसकी फुटेजेस लेकर के आ रहे हैं इमेजेस के तौर पे, तो आप उसको देख करके एंजॉय कर सकते हैं। सो अब आ चुके हैं कमला नेहरू पार्क, जैसा कि आप देख सकते हो ये है वो जगह इधर राइट में, और ये अभी ओपन होने में टाइम है बिकॉज कोरोना की वजह से जो टाइमिंग्स हैं उसकी चेंज कर दी गई हैं। और पीछे ऐसा आप देख सकते हो पार्किंग दिख रही है इतनी ज़बरदस्त वाली, लाइनिंग लगी हुई है लोगों की, तो वेट कर रहे हैं सब जाने के लिए एंट्री, तो अभी वो कवर करने वाले हैं। और मेरे लेफ्ट साइड में इधर की तरफ देख सकते हो ये है आपका हैंगिंग गार्डन, तो ये भी कवर करेंगे। 2000 years later. तो ये है कमला नेहरू पार्क, तो चलिए चलते हैं अंदर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है हमको, वो हमको दिखाएंगे आपको। अब देखो एक चीज दिखाते हैं इंटरेस्टिंग वाली, जबरदस्त बेहतरीन वाली, वो है ये जूता। तो ये है कमला नेहरू पार्क, पीछे दिखा आपको वो जूता जिसमें चढ़ना इस समय अलाउड नहीं है ड्यू टू कोरोना, और शॉट एंजॉय किए होंगे अच्छा लगा होगा। उधर की तरफ पे था मुंबई का व्यू पॉइंट जहाँ पे मुंबई दिखता है, और गार्डन कुछ ऐसा देखने लायक है पीछे का पूरा। तो पार्क में चलते 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 हमको एक जगह मिली, हमने कहा ये भी दिखा दिया जाए शायद पसंद आए, वो है ये कॉर्नर का जगह, और इधर पीछे की तरफ पे सी है, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है, और देख सकते हो सी का व्यू आ रहा है। तो यहाँ पर सी का एक पॉइंट है, हालांकि पेड़ की वजह से अच्छी छुप गई है, और एक ये है क्लॉक। तो अभी हम आ चुके हैं हैंगिंग गार्डन में, और जैसे कि आप देख सकते हो ये थोड़ा सा काफ़ी अच्छा पार्क है, बड़ा पार्क है मुंबई का, फेमस पार्क में काउंट किया जाता है। और इसका नाम हैंगिंग गार्डन क्यों है, बिकॉज ये एक टैंक था उसके ऊपर बनाया गया था, इसलिए इसका नाम हैंगिंग गार्डन, क्योंकि वहाँ पर वाटर का लेवल था जिसको पार्क के कुछ बनाया गया था ये, तो इसलिए इसका नाम हैंगिंग गार्डन है। और यहाँ से अंबानी का घर भी दिखाई देता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी दिखाया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैं आपको भी शॉट दिखाऊंगा इसमें वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, जो दो क्लॉक टावर जैसे दिख रहे हैं वो है, और वो जो दिख रहा है आपको ये वाला एरिया जो है ये है अंबानी का घर, क्योंकि आपको दिख सकता है यहाँ पार से, तो बहुत सही है भाई, ये क्लॉक टावर है यहाँ पर। तो अब व्लॉग को एंड करने का वक्त आ चुका है, आशा करते हैं आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो करो लाइक और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, बिकॉज ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपसे इसी के नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।